फादर एज के ऊपर थीम रहेगा पहले क्वेश्चन का ये age, इसके ऊपर रहेगा नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लेना कि present age of father आपको निकालनी है समझ गए मेरी बात अब इसमें क्या है कह रहे थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन ठीक है age age children. Age children. दो चिल्ड्रन की एज के बराबर का है तो आप ऐसा करना है इकट्ठे कर ले ऐसे मत, मत करना एक चिल्ड्रन की एक्स एक चिल्ड्रन की वाई ऐसे मत करना इकट्ठी लेट कर लो लेट द एज ऑफ लेट द एज ऑफ टू चिल्ड्रन ये क्या मान लेते हैं हम लोग एक्स टू चिल्ड्रन की एज इकट्ठी मान लेते हैं कितनी एक्स मान लेते हैं और एज ऑफ फादर फिर क्या हो जाएगी एज ऑफ फादर वो क्या हो जाएगी y ठीक है अब वो आगे कुछ बोल रहा है क्या बोल रहा है फादर एज इज थ्री टाइम्स फादर की एज देखो ये फादर है और ये सन है कौन बड़ा होता है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है बाप बड़ा होता है बेटा छोटा होता है तो एक सिंपल से मैथ ना समझो तुम एक लॉजिक ही समझ लो जो भी मल्टीप्लाई होगा इधर ही होगा ठीक है तो फादर एज इज थ्री टाइम्स फादर की एज क्या है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ इज सन एज थ्री टाइम्स ऑफ इज सन एज तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स ठीक है Year, अब अब इसके बाद मेरी बात सुनो पांच साल के बाद आफ्टर फाइव ईयर एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन एज ऑफ हिज एज ऑफ टू चिल्ड्रन अब मेरी बात सुनो बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं बच्चे बताए क्या लिखेंगे आई एम डैम श्योर बच्चे लिखेंगे एक्स प्लस फाइव ठीक है एक्स प्लस फाइव लिखेंगे अभी मैं बताता हूँ एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी वो तो होगी आपकी वाई में कितना जुड़ जाएगा पाँच जुड़ जाएगा ये तो यही रहेगा अब मेरी बात सुनो बच्चे दो हैं ठीक है नन्नू और मुन्नू ठीक है और तुम वो पाँच साल बाद ऐसा तो है नहीं कि नन्नू की एज ही बढ़ेगी क्योंकि हम तो दोनों की एज को मिला के लेके चल रहे हैं ना नन्नू और मन्नू की एज तो नन्नू अगर पांच साल बड़ा तो मन्नू भी तो पांच साल बड़ा तो दोनों की एज में टोटल कितना बड़ा दस बड़ा तो यहाँ पे पांच नहीं आएगा बेटा जी यहाँ पे पांच नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा दस आएगा तो पांच साल बाद उनकी क्योंकि हमने एज ऑफ टू चिल्ड्रन इकट्ठे लिए एक्स प्लस टेन अब वो क्या कह रहे हैं अब पढ़ते हम लोग क्या कह रहे हैं कि फादर एज आफ्टर फाइव ईयर ऑफ हिज एज, एज विल बी टू टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस ठीक है फादर की एज क्या है टू टाइम्स है इनके सन की एज के चलो फादर की age... भाई साहब की की इनकी है y plus है is equal to two multiply by की कितने हैं दोस्त दोनों की इकट्ठी मानी हुई समझ गए तो ये क्या हो गया वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू टू इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा टू इंटू टेन ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है तो वाई माइनस लिख दो वाई इक्वल टू टू एक्स ट्वेंटी ए प्लस का फिफ्टीन था उधर जाके आ जाएगा माइनस का फाइव तो ट्वेंटी माइनस फाइव कितना हो जाएगा आपका ये है ना ट्वेंटी है और ये है फाइव तो ये क्या आ जाएगा प्लस का फिफ्टीन हो जाएगा अब तो हमारे पास पहली इक्वेशन भी है पहली इक्वेशन में क्या दिया है ये वाई की वैल्यू इक्वल टू क्या है थ्री एक्स पुट कर दो वाई की जगह पे वाई की जगह पे थ्री एक्स पुट कर दो थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस पंद्रह क्लियर तो ये एक्स इक्वल टू क्या गया? 15 आ गया पंद्रह आ गया ठीक है तो फादर की एज क्या है अभी हम लोगों ने देखा फादर की एज तीन गुना है फादर की एज क्या होगी इनके फादर की एज हम लोगों ने वाई ली है वाई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स तो थ्री टाइम्स ऑफ एक्स कितना है पंद्रह तो पंद्रह ती है पैंतालीस तो इनका जो बाप है वो पैंतालीस साल का है ठीक है और तो इसमें नोट करने वाले पॉइंट क्या है गलती वाले पॉइंट क्या है ये वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना है और इसको करते हुए ध्यान रखना ठीक है कि वो पांच नहीं बढ़ेगा क्योंकि दो बच्चे हैं तो पांच से एक बड़ा पांच से दूसरा बड़ा तो टोटल कितना बड़ा दस बड़ा तो पहला प्रश्न हम लोगों ने खत्म कर दिया अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखना कि बहुत अच्छा लगा यार सेकंड देखो ये बोर्ड को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये क्वेश्चन में जो भी होना है ठीक है ये हम लोगों ने लिया है किश्ती किश्ती और किश्ती का जलवा ठीक है पहले आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैं बताने वाला हूँ इसको तो बाद में सीखेंगे पहले आप स्ट्रीम और बो इसको समझते हैं एक जहाज लेते हैं ठीक है दो केस बना के आपको दिखाते हैं ध्यान से समझना पानी समुंदर नीला कर देते हैं पूरा ये होगा पानी नीला पूरा फेरिंग के साथ बनाएंगे इधर भी पानी बनाते हैं ठीक है तो पानी का बहाव का डायरेक्शन रखते हैं इधर पहले केस में ठीक है पहले केस में हमने इधर बनाया इसका डायरेक्शन और दूसरे केस में मैंने बहाव की डायरेक्शन ये बनाई है ध्यान से एक चीज़ देखना एक चीज़ समझाने वाला हूँ ठीक है और यहाँ पे बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और इस केस में भी बोट है बोट ऐसे चल रही है बोट ठीक है विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो एक तो पहली बात हमेशा बोट को ही आगे रखोगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड आप फिज़िक्स में पढ़ोगे तो मोशन तो तभी होगा ना इसका मोशन तभी होगा जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीम ठीक है नहीं तो ये तो आगे जाने की जगह पीछे जाने शुरू हो जाएगा तो एक पहली बात नोट करने वाली क्या है कि हमेशा पहले स्पीड ऑफ बोट ही लेट करो ताकि तुम्हें से गलती ना हो ठीक है तो लेट स्पीड ऑफ बोट हमेशा पहले क्योंकि बोट को ही लेट करना है तो आपको इजी रहेगा स्पीड ऑफ बोट वो एक्स मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया वाई बहाव वाई के साथ ठीक है आपको एक चीज इजी रहेगा अगर मैंने बोट को एक्स माना और इसकी इस डायरेक्शन को वाई ये दोनों एक में चल रहे हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है इसकी इसमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर अब अपस्ट्रीम की तरफ चलते हैं अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है अपस्ट्रीम स्पीड वो है आपकी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर ठीक है इनकी रिलेटिव स्पीड ये है ये एक्स से चल रहा है इधर और ये वाई से चल रहा है इधर ठीक है तो ये आपको याद रखना है अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है कह रहा है ए बोट गोस थर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड फोर्टी फोर किलोमीटर डाउनस्ट्रीम रिटर्न इन दस घंटे रिटर्न इन टेन आवर ठीक है तो डिस्टेंस कितना है तीस किलोमीटर तीस किलोमीटर एक डिस्टेंस है और तीस किलोमीटर कौन सा ये अपस्ट्रीम वाला है हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम है ना तो थर्टी किलोमीटर अपॉन ये कौन सा है अपस्ट्रीम वाला है डिस्टेंस प्लस डाउन स्ट्रीम वाला डिस्टेंस कितना है फोर्टी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फोर्टी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ठीक है डाउन स्ट्रीम अपॉन इसका क्या आएगा नीचे क्या आएगा स्पीड आएगा तो इसकी स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है एक्स प्लस अप स्ट्रीम क्या ये रहा अप स्ट्रीम की है एक्स माइनस वाई फोर्टी फोर ये क्या है डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई और दोनों के लिए जो घंटे ले रहा है वो कितने ले रहा है दोनों के लिए घंटे दस घंटे ले रहा है कितने दस घंटे ठीक है अब दूसरी इक्वेशन। कैरेट इन ए थर्टीन आर ठीक है अब तेरह घंटे में इट कैन गो फोर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम चालीस किलोमीटर अपस्ट्रीम तो एक्स माइनस वाई नीचे प्लस अब फिर फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रहा है तो नीचे उसकी स्पीड x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास इक्वल टू क्या हो गया थर्टीन थर्टीन ये हो गया आपका समझ गए मेरी बात अब आप इसको सॉल्व कर दो समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं ठीक है कि इसके और कौन से तरीके हैं कि जिससे ये हो सकता है पहली बता दूं आंसर मैं बताता हूं आपको जैसे थर्टी है x माइनस वाई है फोर्टी फोर है फोर्टी फोर कौन से टेबल पे जाता है ये इलेवन के टेबल पे जाता है तो इलेवन फ़ोर ज़ा फोर्टी फोर इलेवन फोर ज़ा फोर्टी फोर मतलब ये शॉर्टकट बता रहा हूँ ये ना समझ आए कोई बात नहीं ये ना समझ आए कोई बात नहीं मैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक बार देख लेना बाकी तो मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा ही तो ये चार हो गया टोटल दस बनाना है मतलब यहाँ पे किसी तरह तुम्हें क्या आ जाए छः आ जाए हो जाएगा का काम तो छः कौन से टेबल पे जाते हैं अगर मैं यार मेरे पास यहाँ पे फाइव हो तो ही होगा ना तो ही होगा ना बच्चे तो फाइव सिक्स था थर्टी तभी मिलेगा तो यहाँ पे फाइव है यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू पाँच आनी चाहिए मैंने पहले ही बता दिया और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ग्यारह आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए ग्यारह ठीक है ये कब और कैसे आएगा वो बाद में अब देखते हैं यहाँ पे ठीक है तो अब चलते हैं जिन बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को तुम लोग के मान लो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को एल मान लो ठीक है मान लिया तो ये क्या जाएगा थर्टी वन अपॉन इंटू कुछ नहीं तो मतलब ये तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक ही बात हो गया वही बात हुआ तो थर्टी वन अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है के प्लस इसको मैं ऐसे लिख स फोर्टी फोर इंटू वन और वन अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू अभी तो निकाला है हमने एक ये तो कन्वर्स का शूज लग रहा है ये भी एक शूज की तरह बना देते हैं ये देखो एं, 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 एं। देखो ये क्या आ जाएगा फोर्टी फोर एल अपॉन टेन इक्वल टू टेन नीचे क्या आ जाएगा फोर्टी के प्लस फिफ्टी फाइव एल इज इक्वल टू थर्टीन क्या कर दोगे इसको पहली को हम मान लेते हैं इसको चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे को तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी के प्लस फोर्टी फोर सोलह एक सौ छिहत्तर हो जाएगा ठीक है और इसके बाद ये क्या हो गया फोर्टी हो गया थर्टीन इंटू थ्री थर्टी नाइन हो गया पचवंजा तीय पंजे पंद्रह तीन पंजे पंद्रह एक सोलह एल और इसके साथ वन ट्वेंटी के ठीक है अब प्लस का साइन है सारे सारे साइन को क्या कर दोगे चेंज कर दोगे चेंज कर दिए हम लोगों ने ये कैंसिल हो गया 165 और ये 55 और ये 10 और एक 11 हो गया है ना 11 हो गया आपका इलेवन एल इज इक्वल टू वन तो एल की वैल्यू क्या आ गई वन बाय इलेवन एल की वैल्यू क्या आ गई वन बाय इलेवन अब सबसे इजी क्वेश्चन मेरे को कौन सी लग रही है मेरे को तो भाई यही दिख रही है आपको भी यही दिखनी चाहिए बिना मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन लो जल्दी आपका काम खत्म होगा क्या आपके पास थर्टी के प्लस फोर्टी फोर एल ये वाली इक्वेशन उठा के लेके आया हूँ ठीक है ठीक है इक्वल टू टेन अब एल की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है थर्टी के प्लस फोर्टी फोर एल की जगह पे वन बाई इलेवन इक्वल टू टेन इलेवन फोर जो फोर्टी फोर थर्टी के टेन माइनस फोर कितना हो गया सिक्स के की वैल्यू क्या आ गई सिक्स बाय थर्टी वन बाय फाइव तो के की वैल्यू क्या आ गई वन बाय फाइव तो के की वैल्यू वन बाय फाइव और इसकी वैल्यू वन बाय एल तो हमारे पास क्या है वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना था के माना था अब ऐसा करते हैं मैं इसको इधर ही करता हूँ है ना थोड़ा सा ई उठाते हैं इधर ही कर हूँ एल की वैल्यू वन बाय एलेवन है एल की वैल्यू अब इसको ये वाले को उठाते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है के की वैल्यू के की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई वन बाय फाइव के की वैल्यू वन बाय फाइव दूसरी क्या है एल की जगह पे वन बाय इलेवन एल की जगह पे वन बाय इलेवन ऐसे करते हम लोग ये उठाते हैं आ जा भाई मेरे नहीं आ रहा ये आ गया। क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कंपेयर करके आपको ठीक है ये ये वन अपॉन एक्स माइनस वाई तो लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख लेते हैं हम वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाय इलेवन क्योंकि कुछ दिखाना है इसलिए मैं इसको स्लाइड करके ऑरिजोनटल डायरेक्शन में दिखाना चाहता हूँ आपको आ जा भाई मेरे यही आ जाता है यार एक मिनट जाना मत कहीं पर ठीक है ये तो इसका कोई और जुगाड़ लगा देते हैं ठीक है आया आया भाई मेरे लो लो जी देख लो इसको ये नहीं मान रहा भाई ठीक है तो कोई बात नहीं नीचे ही चलते हैं फिर वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ओ ए सॉरी यार मैं कर नहीं पाया उसको वहाँ पे तो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ के की वैल्यू के की वैल्यू क्या है वन बाय फाइव ठीक है वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं उधर करना चाहता था इस साइड इस साइड पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा टेक्निकल इशू है कोई तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन मैंने ही बताया था कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी इलेवन एक्स माइनस वाई की, की वैल्यू क्या आएगी फाइव यही है 5. ये ये ना एक्स प्लस वाई की वैल्यू इलेवन ही बताया था पहले ही ये मैंने वही चीज बताई है कि जो बच्चे एडवांस थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं अब दोनों पे लगा दो एलिमिनेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन ये कट गया टू एक्स इज इक्वल टू सोलह एक्स की वैल्यू क्या होगी एट एक्स की वैल्यू क्या होगी एट और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स की जगह पे एट माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव तो वाई की वैल्यू क्या आ गई थ्री ठीक है और हमने पहली बात की थी इन चीजों की तो स्पीड ऑफ बोट एक्स वाली होगी ज़्यादा वाली स्पीड ऑफ बोट ही होगी हमेशा एक्स की वैल्यू तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई आपकी एक्स वाली कितनी आ गई थ्री किलोमीटर पर आर थ्री किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम ओहो ये एक्स की वैल्यू तो एट है एट ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई थ्री किलोमीटर पर आर ठीक है तो इसी के साथ ये भी प्रश्न तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो कुछ बच्चों को बिठाना है इसकी पहले स्टोरी समझते हैं हम लोग कि कुछ बच्चों को अगर बिठाना है मान लो टोटल स्टूडेंट ट्वेंटी है ठीक है तो हमारे पास रोज ऐसे होगी ये होगी रोज ठीक है तो रोज मान लो मैं वन टू थ्री फोर रोज में बिठाना है बच्चे तो कितने कितने बच्चे हर रो में बिठाऊंगा पांच पांच बिठाऊंगा ना एक इधर बिठा दूंगा दो तीन चार पांच ऐसी एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ऐसी ठीक है यही सेम स्टोरी है लेट द नंबर ऑफ रो एक्स मान लेते हैं नंबर ऑफ रो क्या मान लेते हैं एक्स ठीक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इन ईच रो ये मान लेते हैं हम लोग वाई समझ गए मेरी बात इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए एक्स मल्टीप्लाई बै वाई एक्स मल्टीप्लाई ब वाई अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है मैं इन दोनों क्वेश्चन को यहीं पे करूंगा समझा दू एक बार फिर तो मैं कर ही दूंगा ठीक है बी क्वेश्चन बन जाए हमारी समझते हैं कह रहा है इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इनने रो पहले स्टूडेंट कहाँ है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट है तीन एक्स्ट्रा मैंने लिख दिए तीन एक्स्ट्रा हो गए जी स्टूडेंट ब्रैकेट बंद उसके बाद कह रहा है देर वुड बी वन रो लेस एक रो कम हो जाएगी तो इसमें रो में एक कम कर देंगे हम लोग ठीक है इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक्स वाई ठीक है अब दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं इधर इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो ध्यान से करना थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो स्टूडेंट कम कर दिए कितने तीन बच्चे इसको क्रॉस चेक बहुत करना है पहले में क्या क्या थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन निरो देर वुड बी वन रो लेस इफ देर आर थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ने रो देर वुड बी टू रोज मोर रोज क्या है ये और इसमें कितना ऐड हो जा रहा है कितना ऐड हो रहा है देर वुड बी टू रो मोर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स वाई समझ गए समझ गए क्लियर अब इसको मैं थोड़ा सा आगे करके आप आपके सामने सॉल्व करता हूँ इसको तो पहले y प्लस पहले y इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या जाएगा y इंटू एक्स प्लस माइनस वाई ठीक है अब इसी चीज को फिर इसके साथ प्लस का थ्री एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू एक्स वाई अब यहाँ पे देखो वाई इंटू एक्स वाई एक्स हो गया ठीक है प्लस का बहुत ध्यान से करना बच्चे टू इन टू वाई इधर देखो ध्यान से फिर उसके बाद माइनस का थ्री एक्स माइनस का सिक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई से एक्स वाई इधर भी कैंसल इधर भी कैंसल अब तुम्हारे पास क्या आ गया माइनस वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू उधर आके थ्री ये फर्स्ट होगा इक्वेशन दोनों को पैरेलल चलाना तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए टू वाई माइनस का थ्री एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस का थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन अब पहले और दूसरे पे लगा दो एलिमिनेशन माइनस वाई प्लस का थ्री एक्स इक्वल टू थ्री दूसरा क्या है टू वाई एक्स के नीचे एक्स वाला माइनस के नीचे ये और ये ठीक है अब मेरे ये दोनों क्या है सेम है ये मैं काट दूंगा 6 और तीन क्या हो जाएगा नौ तो ये प्लस का टू वाई माइनस का वाई वाई की वैल्यू क्या आ गई नौ अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस वाई मैंने पहले इक्वेशन ही ले लिया माइनस वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू थ्री है आपके पास ये वाले को ही ले लिया अब वाई की जगह पे माइनस का नौ प्लस का थ्री एक्स इक्वल टू थ्री अब ये भी उधर ले गया तो थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर अब एक्स की वैल्यू फोर आ गई और टोटल स्टूडेंट क्या आ जाएंगे एक्स इन वाई टोटल स्टूडेंट क्या हो गए हमारे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स की वैल्यू क्या है फोर वाई की वैल्यू क्या है नाइन पुट कर दो तो नाइन फोर थर्टी सिक्स तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए थर्टी सिक्स अब करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा नंबर सिस्टम के ऊपर है बड़ी जबरदस्त है पहले मैं इसका एक इंट्रो बता दूं आपको मान लो अठारह है नंबर ठीक है इसमें ये अगर इसको कौन सी प्लेस बोलते हैं यूनिट प्लेस बोलते हैं इसको कौन सी प्लेस बोलते हैं टेंस टेंस प्लेस हम छोटे होते एक चीज पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म तो टेन मल्टीप्लाई बाय ये जो यूनिट प्लेस पे एट टेन मल्टीप्लाई बाय ये क्या है वन है ना तभी बनाते थे जैसे एक सौ तीन है तो हम क्या लिखते थे? थे थ्री प्लस ये कौन सी प्लेस पे है? ये वाली प्लेस है टेन इन है ना ये वाला करते थे टेन इन टू ये

और ये कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे अभी आप देखा आपने तो टेन मल्टीपील टेन सी डिजिट प्लस यूनिट बस यही बताना था आपको ठीक है तो मेरी बात ध्यान से समझना अब इसको क्या लिखोगे लेट यूनिट डिजिट एक्स टेंस डिजिट वाई किसी भी नंबर को कैसे लिखा जा सकता है टेंस डिजिट हो गया ये ये क्या हो गया वाई किसी भी नंबर को कैसे लिखा जा सकता है नंबर टेन मल्टीप्लाई बाय टें डिजिट प्लस यूनिट डिजिट बस यही बताना था टेन मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट क्या है प्लस एक्स तो ये क्या हो गया टेन वाई प्लस एक्स रिवर्सिंग नंबर रिवर्सिंग वर्ड या इंटरचेंज या इंटरचेंज इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर की जो प्लेस है उसको हिला दो यूनिट को टेंस की जगह पे कर दो टेंस को यूनिट ये वाली प्लेस को इधर कर दो ये वाली प्लेस को इधर कर दो तो क्या लिखोगे टेन एक्स प्लस वाई अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर द सम करना है सम करना है मैंने करना है सम ठीक है ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ टेंट बाई रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज वन टू वन इसका सम नंबर का और उसको रिवर्स करने का दोनों का सम मिला के कितना है वन टू वन कितना है वन टू ये ना वन टू वन अब सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है टू डिजिट डिफर बाय थ्री दो डिजिट का जो डिफरेंस है दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है तीन फाइंड द नंबर ठीक है दोनों डिजिट का डिफरेंस है तीन का अब इसको करते हैं टेन वाई प्लस वाई कितना हो गया इलेवन वाई ठीक है ये कलर नहीं अच्छा एक्स में टेन एक्स जोड़ोगे इलेवन एक्स इक्वल टू वन टू वन तो इलेवन कॉमन आ गया वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन टू वन इलेवन इलेवनजा वन ट्वेंटी वन तो वाई प्लस एक्स कितना, गया? 120. Y plus X कितना गया? 11 आ गया वन ट्वेंटी वाई प्लस एक्स कितना आ गया इलेवन आ गया चाहे इसको सेक ये हो गया आपका सेकंड फर्स्ट क्या है आपके पास ये रहा एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री ठीक है ये आ गया आपका फर्स्ट अब इसको इसके नीचे ले आओ एक्स प्लस का रखना है रख दिया इसी इक्वेशन को लेके आ रहा हूँ माइनस का वाई इज इक्वल टू थ्री अभी ये कैंसिल हो गया तो टू एक्स इक्वल टू ग्यारह और तीन क्या हो गया चौदह हो गया एक्स की वैल्यू क्या हो गई सात एक्स की वैल्यू क्या हो गई सात तो वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है थ्री है ठीक है तो एक्स की वैल्यू अगर सात है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई इधर माइनस हो जाएगा सेवन माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई तो वाई की वैल्यू क्या आ गई फोर अब हमें फाइंड क्या करना होता है नंबर वाई की वैल्यू फोर एक्स की वैल्यू सेवन नंबर में कहाँ पुट करना होता है नंबर में ठीक है समझ गए एक्स की वैल्यू क्या है सेवन वाई की वैल्यू फोर एक्स की वैल्यू सेवन वाई की वैल्यू फोर पुट करो देखो नंबर का आंसर क्या होता है टेन वाई की जगह पे वाई की जगह पे फोर प्लस एक्स की जगह पे सेवन तो ये क्या गया फोर्टी प्लस सेवन कितना आ गया आंसर फोर्टी सेवन तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर है अब देखते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ओहो क्या ही जबरदस्त क्वेश्चन है एट ए सर्टेन टाइम इन ए डियर नंबर ऑफ ऑफ लेग्स डियर और ह्यूमन कह रहे हैं कहाँ है कहीं पे गए हैं वहाँ पे हिरन है और बंदे हैं ठीक है और इट वॉज फाउंड दैट देयर वर थर्टी नाइन हेड एंड वन थर्टी टू लेग्स क्या क्वेश्चन है लेट नंबर ऑफ डियर हिरन मैंने एक्स मान लिए नंबर ऑफ ह्यूमन क्या मान लिया मैंने वाई। अब सरों की गिनती दी हुई है सिर थर्टी नाइन हेड है टोटल चाहे हर बंदे का तो सिर एक ही होता है ना हिरन के भी एक ही सिर लगा होता है ह्यूमन के भी एक ही सिर लगा होता है ना तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टो टोटल कितने हेड हैं थर्टी नाइन ये तो ठीक है एक सौ बत्तीस लेख गए हिरण की जो टांगे होती हैं वो आई थिंक चार होती हैं एक दो तीन चार चार टांगे वाला होता है और ह्यूमन क्या होता है दो टांगों वाला होता है मर्द टांगे वाला ठीक है तो 132 लेग्स हैं 132 क्या हैं लेग्स हैं ठीक है एक बंदे की एक हिरण की कितनी टांगे होती हैं चार एक बंदे की कितनी टांगे होती हैं दो ठीक है तो टू इंटू वाई समझ गए मेरी बात एक बंदे एक हिरण की चार टांगे एक ह्यूमन की दो टांगे बस ले लो इक्वेशन को रेंज में टू कॉमन ले लिया टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन थर्टी टू है ठीक है दो छीके बारह फिर दो छीके बारह तो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स ये आपकी पहली हो गई ये होगी दूसरी इसको ले आओ नीचे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी नाइन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स साइनों को कर दो चेंज कर दिए ये सीधा होगा कैंसिल ठीक है समझ गए तो ये क्या आ गया आपका x माइनस का x. अब सिक्सटी सिक्स में थर, आ, आपको कितने माइनस करने हैं थर्टी नाइन ठीक है आ, ये हो जाएगा आपका चालीस चालीस में छब्बीस सत्ताईस हो जाएगा ये आपका ठीक है ना कितना हो गया ये स्ताई हो गया है ना नाई तो ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी सेवन एक्स की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी सेवन ठीक है अब अब टोटल कितना है आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो थर्टी नाइन एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना ओह हो एक्स प्लस वाई कितना है थर्टी नाइन तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे ट्वेंटी सेवन वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी ठीक है तो y की जगह पे थर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन कितना आ गया बारह ठीक है तो उसमें जो हिरन है हिरन कितने हो गए हिरन की गिनती होगी हिरन कितने हो गए आपके पास सताई x की वैल्यू क्योंकि सताई है और नंबर ऑफ डियर नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हो गए बारह ठीक है अब लिख के दिखा दो अगर लिख के दिखाना है नंबर ऑफ डियर कितने आए उस पर दिखा दिया ना मैंने अलग दिखा देना नहीं तो मैडम तुम्हारी बोलेगी आंसर नीचे नहीं निकाल के दिया नंबर ऑफ डियर हो गए ट्वेंटी सेवन नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हो गए ट्वेल्व नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हो गए ट्वेल्व ठीक है इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाय बाय शबा खैर और अपने दोस्तों जरूर शेयर करना जय हिंद